दुनिया को एकात्म मानववाद के वैज्ञानिक विवेचना से परिचित कराने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक थे। इसके साथ ही वे ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 वर्तमान उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि मथुरा के नंगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और मां का नाम राम प्यारी था। जब वे मात्र 2.5 साल के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1924 में उनकी मां का भी निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके नाना के यहाँ होने लगा। नाना के गुजर जाने के बाद उनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर खुद की देखभाल के साथ साथ अपने छोटे भाई को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। हालांकि 1934 में दीनदयाल उपाध्याय को एक और गहरा आघात सहना पड़ा जब बीमारी के कारण उनके भाई का निधन हो गया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान के सीकर में हासिल की। दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हासिल की। अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय नानाजी देशमुख और भाऊ चुगड़े से हुआ। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश